हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। जीएसटी भी एक तरह का टैक्स है ना, जो हम गुड्स या सर्विस अगर हम इंडिया में ले रहे हैं या उस सर्विस को यूज कर रहे हैं तो हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि एक्चुअल टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल का या किसी प्रॉपर्टी ओनर का, जो वो सरकार को पे करता है, जिससे कि सरकार जो है वो समाज सेवा वाले काम कर सके, जैसे रोड बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, ये सारे काम सरकार कर सके। इसलिए आम आदमी या हर व्यक्ति सरकार को कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन पे करता है, जिसे हम टैक्स कहते हैं। या यूं समझिए कि टैक्स एक तरह का कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, इनफोर्स कंट्रीब्यूशन है। सरकार आपसे जबरदस्ती लेती है, कानून के दायरे में कानून बना करके आपसे जबरदस्ती एक सर्टेन अमाउंट लेती है, जिसे हम टैक्स करती कहते हैं। और उस टैक्स से सरकार समाज सेवा के काम करती है, पब्लिक सर्विस करती है। अब जो टैक्स होता है, क्या ये वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक है, आप देना चाहें तो दें, नहीं तो ना दें? तो नहीं, टैक्स कंपलसरी होता है, टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है, सरकार आपसे जबरदस्ती वसूलती है। इसीलिए आप टैक्स को एक तरह से हफ्ता कह सकते हैं, एक तरह से यह आप पे फोर्स किया गया है, जबरदस्ती आपसे लिया जा रहा है, तो आप एक तरह से इसे हफ्ता कह सकते हैं। बट ये वो वाला हफ्ता है जिसको कानूनी वैधता मिली हुई है, इसके लिए कानून बना हुआ है और कानून के दायरे में सरकार आपसे लेती है। नॉर्मल गुंडागर्दी वाले हफ्ते में क्या होता है, लोग आपको बंदूक दिखा करके, चाकू दिखा करके लोगों से पैसा वसूलते हैं। यहाँ पे सरकार कानून बना करके आपसे पैसे वसूलती है और उस वसूले गए पैसे से समाज सेवा के काम करती है, पब्लिक सर्विस करती है। सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है भाई, डिफेंस के लिए या रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पब्लिक को बहुत सारी सर्विसेज देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, इन सब के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है। और उस पैसे को सरकार कई तरह से इकट्ठा करती है। सरकार के सोर्स ऑफ इनकम कई होते हैं, जैसे सरकार लोन लेती है, सरकार बिजनेस करती है। बिजनेस इन द सेंस की आपने सुना होगा, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भेल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो वहां से भी सरकार को पैसा आता है। और एक सोर्स होता है टैक्स का, सरकार लोगों से टैक्स वसूलती है, जो सरकार की इनकम का सोर्स होते हैं, जो हम और आप पे करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या सर सॉरी क्या टैक्स सभी को पे करना पड़ता है? तो हाँ जी, टैक्स सभी को पे करना रहता है। कुछ लोग डायरेक्टली पे करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ने डायरेक्टली टैक्स ना पे किया हो, तो आपको लग रहा हो कि नहीं, टैक्स तो हमने कभी पे नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, टैक्स लगभग सभी को पे करना पड़ता है। कैसे सभी को पे करना पड़ता है? तो देखिए, जो लोग पैसा कमाते हैं, एक निश्चित लिमिट से ज्यादा कमाते हैं, तो उनको पे करना पड़ता है इनकम टैक्स। और कुछ लोग जो पैसे तो ज्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन देश में रह करके या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का या दोनों का कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं, और उस गुड्स या सर्विस को यूज करने के बदले में आप कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक पेन खरीदने गए, आप अगर 5 रुपए का पेन खरीदेंगे तो पेन की कीमत तो 4 रुपए ही होगी, उसमें हो सकता है 1 रुपए या कुछ पैसे टैक्स के हो। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, हो सकता है आपने मोबाइल फोन की कीमत 10,000 रुपए रही हो। आप अगर बिल लेंगे दुकानदार से, पक्के में बोलेंगे हमें बिल चाहिए, तो आप देखोगे कि उस पे वैल्यू लिखी रहेगी और वैल्यू में एक टैक्स जुड़ा रहेगा, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1,800 रुपये, उस पे 18% का जीएसटी जुड़ा हुआ है और उस मोबाइल की कीमत है 11,800 रुपये। तो यहाँ पर आपने इनडायरेक्टली 1,800 रुपये गवर्नमेंट को पे किए हैं। तो आप छोटी से छोटी चीज यूज करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप वहां पर भी टैक्स पे करके आते हैं। आप घूमने जा रहे हो, वहां पे कुछ चीजें यूज कर रहे हो, आप वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आते हो। बस आप इनडायरेक्टली पे करते हो, बाकी टैक्स हर किसी को पे करना रहता है।
तो टैक्स एक तरह का मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस के काम कर सके। तो ये होता है आपका क्या, टैक्स। देखो, द टैक्स मे बी डिफाइंड एज अ पिक्यूनरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। मतलब एक धन संबंधी फाइनेंशियल बर्डन है जो इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी ओनर पे करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अंतर्गत लिया जाता है, मतलब कानूनी अधिकार के अंतर्गत, कानूनी प्राधिकरण बना करके लिया जाता है। इसके लिए कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि भारत में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, क्लियरली लिखता है कि बिना कानून बनाए किसी टाइप का टैक्स नहीं लिया जा सकता है। इसलिए सरकार कानून बनाती है और उस कानून के अंतर्गत आपसे टैक्स लेती है। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। आप ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी स्वेच्छा से डोनेशन दे रहा हूं सरकार को या सरकार की मदद कर रहा हूं। ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है। सरकार आपसे लेगी ही लेगी, जबरदस्ती लेगी। आप अगर इनकम टैक्स की बात करें तो अगर आप एक निश्चित लिमिट से ज्यादा कमा रहे हो, इंडिया में जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो आपको सरकार को पे करना ही पड़ेगा। ये आपका वॉलेंट्री नहीं है, स्वेच्छा नहीं है, बल्कि इनफोर्स है। सरकार जबरदस्ती आपसे ले लेगी। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक तरह का हफ्ता है, बस वो हफ्ता है जो कानून के अंतर्गत सरकार आपसे ले लेती है। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, ठीक है ना। साधारण शब्दों में कहें तो यह एक पैसा है, अमाउंट है, जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर सके, पब्लिक सर्विस के काम कर सके। क्योंकि नहीं तो सरकार के पास पैसा आएगा कहां से, ठीक है ना। बाकी सोर्सेस भी है, लेकिन उन सभी सोर्सेस में से एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, टैक्स का भी होता है, जिससे कि सरकार बाकी काम कर सके, ठीक है। तो ये था आपका क्या, टैक्स का मतलब। अब देखो, टैक्स कितने तरह के होते हैं। तो जो टैक्स होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर। चलिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि डायरेक्ट दर्द देना, सौंक देना। जिस बंदे पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाएगा, जिस पर्सन पर टैक्स लगाया जाएगा, उसका दर्द भी वही महसूस करेगा। जैसे कोई मान लीजिए एक ये मिस्टर ए हैं, ठीक है, इन्होंने मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाए। सरकार ने बोला, बेटा 5 लाख कमाए हो, 15 हजार हम टैक्स लेंगे। तो इस 15 हजार की जो तकलीफ है ना, वो ए ही महसूस करेंगे, ठीक है। और ये 15 हजार फाइनली ए के जेब से ही दिए जाएंगे, ए के पॉकेट से ही जाएंगे। तो इस टाइप के टैक्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जिसमें डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन जो होता है ना, वो उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर वो टैक्स लगाया जाता है। ए पर वो टैक्स लगाया गया है, तो उसका बर्डन भी किस पर आएगा, ए पर आएगा, ठीक है ना। बी पर लगाया गया है, तो उसका बर्डन भी किस पर आएगा, बी पर आएगा। इस टाइप के टैक्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जिस जिस पर लगाया गया है टैक्स, उसी पर अगर बर्डन आ रहा है, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स है। मतलब उसी के पॉकेट से पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इसका दर्द वही व्यक्ति जान रहा है जिस पर वो टैक्स लगाया गया। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है कि यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी व्यक्ति पर इसका भार भी आता है, बर्डन भी आता है। फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है ना, उसका बर्डन उस व्यक्ति पर नहीं आता है, ठीक है ना। अगर ये ए पर लगाया गया है, तो इसका बर्डन ए पर नहीं आएगा, बल्कि ए किसी और पर शिफ्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लगाया जाता है,
उस व्यक्ति पर उस टैक्स का बर्डन या भार नहीं आता है, बल्कि उस टैक्स को क्या किया जाता है, दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है, दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आप दुकान में जाते हो, आप एक सामान खरीदते हो, मान लो ये एक दुकानदार है, ठीक है, ये एक दुकानदार है, आप यहां पर गए और यहां से आप एक मान लीजिए कि साबुन का टिकिया खरीद कर लाए, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि उस साबुन पर कुछ टैक्स लगा होगा, वो टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है, इस बिजनेसमैन की है कि वो टैक्स सरकार को जमा करे। लेकिन होगा क्या कि यह व्यक्ति जो है ना, सरकार को पैसे तो जमा करेगा, मान लीजिए 5 रुपए का टैक्स है, बट यह व्यक्ति वो 5 रुपए का टैक्स किस पर डाल देगा, कस्टमर पर डाल देगा। किस पर डाल देगा, कस्टमर पर डाल देगा, जिस व्यक्ति ने वो साबुन को खरीदा है, उस शॉप को खरीदा है, उस पर ये बर्डन ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्स तो बिजनेसमैन पर लग रहा है, लेकिन उसका बर्डन किस पर ट्रांसफर हो जा रहा है, कस्टमर पर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। आप मोबाइल फोन खरीदने गए, तो मोबाइल फोन खरीदते टाइम ना जो मोबाइल फोन पर टैक्स लगा, वो लगा तो बिजनेसमैन पर, लेकिन वो वसूलेगा किससे, आपसे वसूल लेगा, और जो वो टैक्स का बर्डन है वो किस पर शिफ्ट कर देगा, आप पर शिफ्ट कर देगा। तो इस टाइप के टैक्स को क्या हो जाएगा, ये कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जीएसटी। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने खाना खाया, तो रेस्टोरेंट पे टैक्स जो लग रहा है ना, वो टैक्स रेस्टोरेंट आपसे कलेक्ट करेगा और सरकार को जमा कर देगा। तो वो टैक्स लगा किस पर, रेस्टोरेंट पर, बट उसका अल्टीमेटली वर्डन किस पर आया, आप पर या कस्टमर पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो उसका भार होता है, बर्डन होता है ना, वो किसी और पर शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब अल्टीमेटली जो होता है ना टैक्स का पैसा, वो किसी और के पॉकेट से जा रहा होता है। इसलिए इस टाइप के टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं या अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जीएसटी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। समझ में आई बात कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलो पढ़ लेते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जो व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है ना, उसका प्रभाव भी वो खुद पर ही बियर कर रहा है, उसका बर्डन भी खुद पर ही ले रहा है, इसलिए क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इसका जस्ट अपोजिट है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। इसमें क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर रहा है ना, वो इसको किससे कलेक्ट कर ले रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर से वसूल ले रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कौन बियर करता है, जो कस्टमर होता है या अल्टीमेटली जो कंज्यूम करता है, कंज्यूमर होता है, अंतिम उपभोक्ता जो होता है ना, कौन, अंतिम उपभोक्ता, अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब अंतिम उपभोक्ता, यू समझिए आम आदमी। ठीक है, मोबाइल फोन खरीदते समय मोबाइल फोन खरीदने वाला, रेस्टोरों में खाना खाते टाइम पर रेस्टोरों में खाना खाने वाला, वही कंज्यूमर ना। ठीक है, आप गाड़ी पे पेट्रोल भरा रहे हो, तो पेट्रोल कंज्यूम आप कर रहे हो, तो उसका बर्डन भी आप पर आएगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का कंज्यूम, जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर देखो, पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स टैक्स वन द सेम, ये सेम है। ठीक है, यहाँ पर जिस जो टैक्स पे कर रहा है और जो उसका दर्द महसूस कर रहा है, सफरर है उसके कारण, वो सेम है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेयर और सफरर अलग अलग है। पे तो बिजनेसमैन कर रहा है, बट उसका अल्टीमेटली बर्डन या उसकी तकलीफ किसको वो ट्रांसफर कर दे रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दे रहा है, अंतिम उपभोक्ता को ट्रांसफर कर दे रहा है। जो इन सॉरी डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर का होता है। अच्छा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का क्या मतलब हुआ, पहली बात तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो व्यक्ति कम कमाएगा वो कम टैक्स पे करेगा। जैसे 5 लाख कमाने वाला मान लीजिए 15,000 टैक्स पे कर रहा है, अगर कोई 6 लाख कमा रहा होगा तो हो सकता है वो 17,000 पे करे, ज्यादा पे करेगा। कोई 10 लाख अगर कमा रहा है
तो वो और ज्यादा मान लीजिए 25,000 टैक्स पे करेगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस टैक्स बढ़ता जाएगा। मतलब अमीर ज्यादा टैक्स पे करेंगे और गरीब कम टैक्स पे करेगा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि यह हर कस्टमर को सेम वैल्यू पर कंसिडर करता है, या समझिए कि हर व्यक्ति को एक ही तराजू पर तौलता है। आप एक बिस्किट का पैकेट लेने गए हो मान लीजिए, तो एक गरीब आदमी जाता है, एक मान लीजिए बेगर भिखारी जाता है खरीदने एक बिस्किट का पैकेट, और वही बिस्किट का पैकेट एक करोड़पति मल्टी मिलीनियर आदमी खरीदने जाता है, ठीक है ना। तो उस बिस्किट के पैकेट पर जितना टैक्स एक गरीब आदमी पे करेगा, मान लीजिए वो 2 रुपए टैक्स पे कर रहा है, तो 2 रुपए ही टैक्स करोड़पति आदमी भी पे करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पर टैक्स अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसे रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। ये अमीर और गरीब पे फर्क नहीं करता है। सेम अमाउंट अमीर पे भी, अमीर को भी पे करना है, और सेम अमाउंट गरीब को भी पे करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर बोल दिया जाता है, ठीक है। जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और जो कम कमा रहा है उसको कम टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, यह सभी को इक्वली ट्रीट कर देता है, हर कंज्यूमर को इक्वली ट्रीट कर देता है। कोई चीज एक व्यक्ति सेम चीज अगर अमीर भी खरीदेगा गरीब भी खरीदेगा तो दोनों को टैक्स तो सेम ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन सेम पर्सन पर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब अमीर ज्यादा टैक्स पे करेगा गरीब कम टैक्स पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, अमीर या गरीब सबको बराबर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बिस्किट का पैकेट अमीर भी खरीदता है गरीब भी खरीदता है, तो दोनों को टैक्स सेम ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट टैक्स का बेहतर एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। पहले वेल्थ टैक्स भी होता था, अब वो हट गया है। बाकी इसमें एक और टैक्स होता है जिसे हम प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, कुछ जगह पे अभी एक्साइज ड्यूटी भी है जैसे टोबैको प्रोडक्ट पे, तो वो हो गया, ठीक है ना। जीएसटी आप जो भी गुड्स या सर्विसेज यूज या खरीदते हो तो उस पर पे करना रहता है। कस्टम ड्यूटी जब आप कोई गुड्स इंडिया में इंडियन टेरिटरी में इंपोर्ट किया जाता है या इंडियन टेरिटरी से एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस केस में कस्टम ड्यूटी देना रहता है। चलो अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत लंबी कहानी है। भारत में जीएसटी की शुरुआत बेसिकली सोचा गया 2000 से, और फाइनली इंडिया में जीएसटी कब आया, 2017 में। कितना कितने साल लग गए, 17 साल लग गए। इंडिया है ना, यहाँ चीजें आसानी से नहीं होती हैं। 17 साल लग गए इंडिया में जीएसटी को आने के लिए। सबसे पहले जीएसटी को जो सोचा गया था वो था 2000 में, ठीक है। तब एक कमेटी भी बनी, एक टास्क फोर्स भी बनी कि जीएसटी पे बताइए भाई इंडिया में जीएसटी कैसा कैसे लाया जाए। नहीं आ पाया। 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने बोला, उन्होंने तो वादा किया कि 2010 से हम जीएसटी लेकर के आ ही जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाया। फाइनली जो जीएसटी का काम चालू हुआ ना, वो चालू हुआ 2014 से, जब इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी जी गवर्नमेंट में आए, उस साल से इंडिया में जीएसटी पर काम शुरू हुआ, और पहली बार संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जीएसटी लाने के लिए ना सबसे पहले संविधान संशोधन की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी, अभी अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो संविधान संशोधन की जरूरत थी, तो संविधान संशोधन का जो बिल था वो 2014 में सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया गया। फाइनली 2 साल लग गए उस संविधान संशोधन के बिल को पास करवाने में, और वो 2016 में फाइनली 101वां संविधान संशोधन हुआ, और 101वें संविधान संशोधन ने भारत में जीएसटी आने का रास्ता खोल दिया, ठीक है। इसके बाद 2016 में जीएसटी काउंसिल बनी। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी एक्ट बनाने के। आगे हम जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जीएसटी में हर कानून रूल्स रेगुलेशंस कब बनते हैं, जब जीएसटी काउंसिल क्या करे, अनुशंसा करे, रिकमेंडेशन दे। तो फाइनली जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी कि एक्ट बनाइए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। 30 जून तक
ये सब हो करके 30 जून तक लगभग सारे स्टेट्स ने क्या किया, कानून बना लिए, सेंट्रल ने कानून बना लिया और फाइनली देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। आपको इतनी सारे डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो डेट्स में इंपॉर्टेंट है केवल वो याद रखना है। तो इंडिया में फाइनली जीएसटी कब से आया, 1 जुलाई 2017 से इंडिया में आ गया। पर ध्यान रखेंगे पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से नहीं आया था, एक स्टेट था वो था जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे कब से आया, 8 जुलाई से आया। ठीक है ना। तो इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से, लेकिन जम्मू कश्मीर में कब से लागू है, 8 जुलाई 2017 से, एक हफ्ते लेट। ये आपको दो तीन डेट्स याद रखनी है। एक तो जीएसटी कहां अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है, ठीक है, पूरे इंडिया में 1 जुलाई से, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, और जम्मू एंड कश्मीर में कब से है, 8 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लीकेबल है। चलो अब देखते हैं कि जीएसटी लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत में जीएसटी लाने के लिए जरूरत थी संविधान संशोधन की, क्योंकि देखो है क्या कि इंडिया में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी गुड्स या सर्विस पे या किसी टाइप का टैक्स बिना किसी कानून बनाए नहीं लगाया जा सकता, और कानून बनाने की सेपरेट पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, भारतीय संविधान में अलग अलग जो है वो पावर दी हुई है, ठीक है, कि इन टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, इन पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट होती है जिस पर दोनों बनाएंगे। आपको पता होगा तीन तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में दी गई चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर दी गई चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब टैक्सेशन में क्या था कि टैक्सेशन में बताया हुआ था कि इन चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी, कुछ पर बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बना करके टैक्स लेगी। लेकिन अब इंडिया में जब जीएसटी लाना था तो जीएसटी बेसिकली वन नेशन वन टैक्स था, पूरे देश में एक ही टैक्स लाना था। तो एक टैक्स लाने के लिए संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन होना जरूरी था कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स वसूल सके, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में लाना था। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी, जिससे कि स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकारों को यह शक्ति दे दी जाए कि आप किसी गुड्स या सर्विस पर आप दोनों कानून बना करके टैक्स ले सकते हैं, आप दोनों उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोनों आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि संविधान में संशोधन के लिए 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। कौन सा विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। आपको पता है कि कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले बिल प्रस्तुत किया जाता है, बिल प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, और वो बिल जब पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए संविधान में जो संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की जरूरत थी, उसके लिए पहले क्या किया गया, बिल प्रस्तुत किया गया, 122वां बिल, और इसके बाद जब 122वां बिल पास हो गया तो हमारा संविधान का 101वां संशोधन किया गया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया, ठीक है, 2016 में, और इसके थ्रू भारत में जीएसटी आने का रास्ता खुला। तो आप ध्यान रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू इंडिया में जीएसटी आया, तो वो है 101वां संविधान संशोधन, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में जीएसटी आया, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 122 से कंफ्यूज मत होना, 122वां विधेयक था, और जब ये विधेयक पास हो गया तो वो क्या बन गया, 101वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया, ठीक है। तो भारत में जीएसटी किसके थ्रू आया, 101वें संविधान संशोधन के थ्रू आया। 101वें संविधान संशोधन ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को यह शक्तियां दे दी कि वो गुड्स और सर्विसेज पर इकट्ठा टैक्स लगा सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं, किसके थ्रू, 101वें संविधान संशोधन के थ्रू।
ठीक है। तो यहां ये थी आपको किसकी जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत। अब देखो जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ उसके इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, तो मैं समझा देता हूं आपको। एक तो आप याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट था वो कब से इफेक्टिव हुआ, कब से लागू हुआ, तो 8 सितंबर 2016 से हुआ, ठीक है ना, 8 सितंबर 2016 से ये अप्लीकेबल हुआ, ठीक है। क्या इसके मेन चेंजेस थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि कंकरेंट पावर ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब संयुक्त शक्ति दे दी गई, ठीक है ना, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की संयुक्त शक्ति किसको दे दी गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, मतलब पार्लियामेंट हमारी संसद, केंद्र सरकार संसद में कानून बनाती है और स्टेट लेजिस्लेटर जो राज्य विधायिका है उन दोनों को शक्ति दे दी गई कि गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड आप कानून बना करके टैक्स ले लो, ठीक है। मतलब जीएसटी पर क्या होगा ना, डुअल कंट्रोल होगा, स्टेट का भी कंट्रोल होगा और सेंट्रल का भी कंट्रोल होगा। अब 101वें संविधान संशोधन के थ्रू कुछ आर्टिकल ऐड किए गए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 246A, ठीक है ना, अनुच्छेद 246A। आर्टिकल 246A 101वें संविधान संशोधन के थ्रू आया, और आर्टिकल 246A बोलता है किस बारे में, बोलता है पावर टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड शक्ति, कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 246A। यह दिस आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाई सेंटर और सच स्टेट। यह जो आर्टिकल है इसने शक्ति दी किसको, सेंट्रल और स्टेट को, कि वो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड कानून बना सके। एज पर आर्टिकल 246A द पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। आर्टिकल 246A ने ही शक्ति दी पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो कानून बनाए, और इसके अंतर्गत ये कानून बनाए भी गए। कौन कौन से कानून, सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी, ठीक है, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाए गए। सीजीएसटी आईजीएसटी और यूटीजीएसटी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एससीएसटी कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो जीएसटी लगाने की शक्ति देता है, तो कौन सा है, यह है 246A, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल में जीएसटी लगाने की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दी गई हैं, तो यह है आर्टिकल 246A। समझ में आई बात, चलिए। अच्छा, कानून बनाने से रिलेटेड कुछ जो और प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 246A या आर्टिकल 254, ठीक है ना, तो इन पर 246A का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आर्टिकल 246 में कुछ और लिखा गया है या आर्टिकल 254 में कुछ और लिखा गया है और 246 में कुछ और लिखा गया है किसी कॉमन चीज पर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन लिखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, 246A में जो लिखा गया है ना वो प्रिवेल कर जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना कि अब है क्या कि चलो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो मिल गई जीएसटी लगाने की, लेकिन मान लीजिए एक कोई गुड्स है जो एमपी से चला, ठीक है ना, और यूपी के व्यापारी ने खरीदा है, एमपी के व्यापारी ने बेचा और यूपी के व्यापारी ने खरीदा, मध्य प्रदेश का सेल है और उत्तर प्रदेश के व्यापारी बिजनेसमैन ने क्या किया है, परचेस किया है। अब यहां पर क्या होगा कि दोनों में डिस्प्यूट हो सकता है इस गुड्स पर टैक्स कौन लेगा, ठीक है ना, एमपी लेगा या यूपी लेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कानून में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे डिस्प्यूट ना हो इसलिए जीएसटी के अंतर्गत जहां अंतरराज्यीय व्यापार शामिल होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की बात होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड या कॉमर्स की बात होगी, वहां पे एक्सक्लूसिव पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कानून बना दें और दोनों स्टेट उसको मान लेंगे,
ठीक है ना। तो यहां पर अंतरराज्यीय व्यापार का व्यापार की बात होगी, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स की बात होगी, वहां पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ना तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ना यूपी, ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, बल्कि इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स रिलेटेड रूल्स कौन फ्रेम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A बोलता है कि जो भी इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होगा उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फ्रेम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगा। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 269A को भी। ठीक है ना। एक चीज और याद रखेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य की बात तो ठीक ही है, यही आर्टिकल हमें यह भी बताता है कि अगर कहीं इंपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस, तो इंपोर्ट को हमेशा क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई गुड्स इंपोर्ट किया गया इंडिया में, वो मुंबई पोर्ट पर आया, तो मुंबई पोर्ट पर आया तो उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी, बल्कि उसको इंटर स्टेट माना जाएगा, और उससे रिलेटेड कानून कौन फ्रेम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड सॉरी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। चलिए, इंपोर्ट को क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई, याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड सारी की सारी इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है, या यूं समझिए केंद्र सरकार के पास है। अब देखो, दो आर्टिकल तो हमने देख लिया, आर्टिकल 246A हमने देखा, 246A जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यह शक्ति देते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज पर कानून बना करके टैक्स लें। फिर हमने देखा 269A। 269A बोलता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होगा, अंतरराज्यीय व्यापार होगा, उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 279A। 279A हमारा बात करता है जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की। समझते हैं जीएसटी काउंसिल क्या होती है। तो देखो, अब जो जीएसटी आने वाला था इंडिया में, वो पूरे देश पे एक टैक्स आना था, और उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए था और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए था, तो इससे रिलेटेड कानून में दोनों की पार्टिसिपेशन की भी जरूरत थी। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से कानून बना दे, या अगर स्टेट बस को पावर दे दी गई तो स्टेट को, सारी स्टेट में फिर अलग अलग कानून हो जाएंगे, जबकि पूरे इंडिया में एक टाइप का कानून चाहिए था। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि बना दी गई क्या, एक जीएसटी काउंसिल। तो संविधान का आर्टिकल 279A भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल बनाने की शक्ति देता है। जीएसटी काउंसिल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को बना करके एक काउंसिल बनाई जाएगी, और जीएसटी से रिलेटेड कानून पर वही काउंसिल जो है क्या करेगी? अनुशंसा देगी। अगर जीएसटी पे कोई कानून बनाना है, जीएसटी पे किसी प्रकार के जीएसटी के कानून में किसी प्रकार के चेंजेस करने हैं, उससे रिलेटेड रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो किसकी अनुशंसा या किसकी रिकमेंडेशन पर बनेंगे? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे बनेंगे। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होंगे। कौन सा आर्टिकल शक्ति देता है? तो 279A। कौन बनाएगा? तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ठीक है, तो 279A भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो एक ज्वाइंट फोरम बनाए सेंटर और स्टेट को मिला करके, जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी काउंसिल होगा। ठीक है, यह आर्टिकल इफेक्ट में कब आया? तो यह आर्टिकल इफेक्ट में आया 12 सितंबर 2016 से। ठीक है, और पहली बार जीएसटी काउंसिल कब बनाई गई? 15 सितंबर 2016 को, 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल बना दी गई। ये डेट आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 279A कब से इफेक्टिव है? 12 सितंबर से, और फर्स्ट टाइम जीएसटी काउंसिल फ्रेम कब की गई? 15 सितंबर से। कौन फ्रेम करता है? प्रेसिडेंट फ्रेम करते हैं। अब देखो, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं जीएसटी काउंसिल के?
चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी लक्ष्मी सीतारमण जी, ठीक है ना। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट होंगे मेंबर, और सभी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना वो क्या होंगे, मेंबर होंगे। और चेयरपर्सन कौन होगा, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही क्या होंगी, इसकी चेयरमैन होंगी, या जो भी उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे सेंट्रल फाइनेंस केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय जिनके पास रहेगा वो इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, तो जो स्टेट के मिनिस्टर है ना वो आपस में से ही किसी को चुन करके वाइस चेयरपर्सन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या है, आपके चेयरपर्सन है। मेंबर कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब देख लो जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो जीएसटी काउंसिल की जो भी मीटिंग होती है उसका मिनिमम कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम का मतलब होता है कि किसी मीटिंग में मान लीजिए 10 लोगों की मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें एक निश्चित ये बोल दिया जाता है कि एक निश्चित लिमिट, मतलब एक निश्चित जो है एक निश्चित नंबर ऑफ पर्सन जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक वो मीटिंग का कोरम नहीं माना जाएगा, मतलब वो मीटिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए 10 लोगों में से एक आदमी ही आया तो क्या ये मान लिया जाएगा मीटिंग, हाँ हाँ ठीक है मीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें लिख दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि एटलीस्ट मान लीजिए 4 लोग आएंगे तब मीटिंग को पूरा माना जाएगा या मीटिंग का कोरम माना जाएगा। मतलब वो मिनिमम कोरम का मतलब होता है कि कम से कम इतने लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो वैसे ही जीएसटी काउंसिल में है, तो जीएसटी काउंसिल का कोरम कब माना जाएगा, जब एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट हो जाए, ठीक है ना। कम से कम आधे लोग अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो माना जाएगा कि कोरम पूरा है, ठीक है। फिर देखो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, तो 3/4 मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिए जाएंगे, मतलब कि 75% जब फेवर में वोटिंग होगी तो ही कोई प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अच्छा यहाँ पे वेट दिया जाता है, ठीक है ना। वेट कैसे दिया जाता है, 1/3 वेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2/3 वेट होता है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। चलो काम क्या होता है जीएसटी काउंसिल का, यूं समझिए जीएसटी पे होने वाले सारे बदलाव, सारे कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके थ्रू बनाए जाते हैं, जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंडेशन देती है, चाहे वो टैक्स रेट से रिलेटेड कानून हो, मतलब किस चीज पर कितना टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स कम करना है, किस गुड्स या सर्विस पे टैक्स बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही लेती है। एग्जम्पशन मतलब किसी चीज को अगर टैक्स से छूट देनी है, किसको इस पर जीएसटी नहीं लगाना है, वो सारे डिसीजन कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल लेगा। थ्रीशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि किस सीमा तक जीएसटी लगेगा, किस और किस सीमा तक सॉरी किस सीमा तक जीएसटी नहीं लगेगा और किस सीमा के बाद जीएसटी लगेगा। जैसे आपने सुना होगा कि 40 लाख तक का अगर गुड्स आप सॉरी 40 लाख तक का आपका ट्रेड है गुड्स का, तो आपके जीएसटी नहीं है, या सर्विस पे 20 लैक्स है, या कुछ स्टेट पे 10 लैक्स है, तो ये जो लिमिट है इसका डिसीजन कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल लेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है अगर कुछ विवाद की स्थिति आती है स्टेट गवर्नमेंट के बीच, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच है, किसी टाइप का डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड रूल्स या रेगुलेशन भी कौन बनाएगा, जीएसटी काउंसिल बनाएगी। जीएसटी लेजिस्लेशन या इससे इंक्लूडिंग रूल्स या नोटिफिकेशन जो है वो सारे के सारे किसके रिकमेंडेशन के बाद आएंगे, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद आएंगे। मतलब कि जीएसटी में कोई भी चेंज बिना जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा के रिकमेंडेशन के नहीं किया जा सकता है। एक और बात ध्यान रखना कि मेयरली मान लीजिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग प्रॉपर नहीं हुई या जीएसटी काउंसिल का कोई मेंबर प्रॉपर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो केवल इस वजह से जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया कोई डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा, बल्कि काउंसिल द्वारा लिया गया डिसीजन हमेशा वैलिड ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी तक हमने जो है आज देखा वो जीएसटी की हिस्ट्री देखी, हमने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर इंडिया में जीएसटी कैसे आया तो उसकी हमने हिस्ट्री देखी, कब से अप्लीकेबल हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है जीएसटी की, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी की, जीएसटी एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा टैक्सेशन क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक
इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन सीधा जिस पर लगाया जाता है उसी पे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ? 101वां संविधान संशोधन के थ्रू भारत में जीएसटी आया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे, जिसमें से एक आर्टिकल था 246A, फिर आर्टिकल था 269A, और एक आर्टिकल हमने देखा 279A। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 246A शक्ति देता है केंद्र और राज्य सरकार को, पावर देता है कि वो गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगाएं। 269A केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। 279A भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं कि वो जीएसटी काउंसिल बनाए। तो ये था हमारा बेसिक जीएसटी का बेसिकली हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक ऑफ जीएसटी, ठीक है ना? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।